वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे आप अपनी वेबसाइट पे फीचर इमेज अपलोड कर सकते हैं, जो कि इस तरह की कोई इमेज होती है जो आपकी वेबसाइट पे थंबनेल की तरह होती है। हमने बात की थी कि आप कैसे कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी SEO की काफ़ी हेल्पफुल वीडियोज़ आ रही हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप उनको ज़रूर देखें। ये कम्प्लीट एक हमारी सीरीज़ आ रही है। तो आज हम बात करेंगे कि वेबसाइट में जो होते हैं मेटा टैग्स। मेटा टैग्स आपने अगर नोटिस किया हो, मैं अगर गूगल कर लूँ व्हाई आर मेटा टैग्स सो इम्पॉर्टेंट, मेटा टैग्स होते क्या हैं? मेटा टैग्स एक्चुअल में आपकी अगर कोई आपका आर्टिकल है, कोई यूट्यूब है, उससे रिलेटेड आपके कीवर्ड्स होते हैं जिनकी बेस पे आप क्या करते हो, वीडियो को रैंक करते हो। एक अच्छा लेट्स सपोज मैं अगर कहता हूँ कोई वीडियो हाउ टू स्टे ऑनलाइन ऑन फाइवर, ठीक है। अच्छा, तो अब ज़रा देखने तो टॉप पे वीडियो आ रही है ये वाली स्टे ऑनलाइन फाइवर ऑन 24/7, ठीक है, मैं ये कर लेता हूँ। तो ये टॉप पे वीडियोज़ आ रही है 4K व्यूज़। ये बाय द वे हमारे चैनल है, तो मैं इसकी बताता हूँ कि इसकी क्या रीज़न है। तो ये हमारी फाइवर की सीरीज़ की वीडियो, तो अगर आप इसको नोटिस करो तो यहाँ पर हमने कुछ टैग्स लगाए हुए हैं, फाइवर कोर्स, फाइवर ऑटो रिफ्रेश डिकोडर्स, ठीक है। बाकी नीचे अगर आप देखें तो हमने डिफरेंट किस्म के टैग्स लगाए हुए हैं। तो टैग्स इसलिए ज़रूरी होते हैं, ये आपकी वेबसाइट से रिलेवेंट कीवर्ड्स होते हैं जो सर्च इंजन को बताते हैं कि ये जो कंटेंट है किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये डिफरेंट कीवर्ड्स, कीवर्ड्स से क्लाउड होता है और आपकी रैंकिंग में बहुत मैटर करते हैं। द इम्पैक्ट हाउ योर साइट अपीयर्स इन सर्च सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस एंड हाउ मेनी पीपल विल बी इंक्लाइन टू क्लिक थ्रू योर वेबसाइट, के कहते हैं। और ऑलस का यही मतलब है कि ये आपकी वेबसाइट से रिलेवेंट कीवर्ड्स होते हैं। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, मैंने वेबसाइट में डिफरेंट किस्म की पोस्ट है, ये मेरा ब्लॉग है, ये भी मेरा ब्लॉग है, ठीक है। इस पे कुछ आप आर्टिकल्स पे मैंने टैग्स लिखे थे, तो उसका क्या हुआ कि मुझे उस पर काफ़ी एडवांटेज हुआ, तो मैं आपको पोस्ट बताता हूँ अभी। और इस वेबसाइट पर मैंने कोई टैग वगैरह कोई खास नहीं यूज़ किया, ठीक है। मैंने इस पर यूज़ किए थे एक्सपेरिमेंट के लिए। तो ये मेरा जो आर्टिकल है, ये अगर आप इसको देखें तो डनगन इस तरह कुछ नाम है, डनगन, ये मैं कीवर्ड अगर लिखूँ तो मेरा जो वेबसाइट है वो किस नंबर पे आ रही है, दूसरे नंबर पे आ रही है। अब इसकी रीज़न काफ़ी रीज़न हो सकती है इसके कीवर्ड, लेकिन इसमें टैग्स मैंने काफ़ी यूज़ किए हैं, ठीक है। इतने ज़्यादा टैग्स यूज़ किए हैं, जिस तरह यूट्यूबर टिकटॉक वाले ये सारे क्या करते हैं, टैग्स लगाते हैं। तो टैग्स की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपकी वेबसाइट से रिलेवेंट कीवर्ड्स होते हैं, ये सर्च इंजन को बताते हैं कि ये किस बारे में। तो अब चलते हैं हम कैसे टैग्स यूज़ करेंगे। लेट्स सपोज मेरे पास कोई आर्टिकल है, हाउ टू फाइंड बेस्ट प्रोडक्ट सेलिंग प्रोडक्ट ऑन अमेज़ॉन। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि एडिट पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर टैग्स लगूँगा अमेज़ॉन, ठीक है। ओह यश, अमेज़ॉन हो गया। इसके अलावा अच्छा मुझे लगता है इससे एक ही होता है, मैं जाता हूँ एडिट करता हूँ इसको, और एडिट कर आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे मल्टीपल पे अलाउ नहीं कर रहा तो मैं इसको एडिट कर दूँगा और इसके बाद मैं एक से ज़्यादा टैग्स यूज़ कर सकूँगा। इस तरह ही हम अपनी वीडियोस के SEO करते हैं, तो वहाँ पर हम टैग्स यूज़ करते हैं डिफरेंट किस्म के, ठीक है। तो अभी चलते हैं नीचे, अगर आप आ जाएँ तो यहाँ पर आ जाता है कैटेगरीज के बाद आ जाता है टैग्स, ठीक है। तो यहाँ पर अमेज़ॉन, अमेज़ॉन प्रोडक्ट सेलिंग, ठीक है, सेल ऑन अमेज़ॉन, सेल ऑन अमेज़ॉन। इसके अलावा यूज़र क्या सर्च कर सकता है, फाइंड बेस्ट प्रोडक्ट ऑन अमेज़ॉन, अमेज़ॉन FBA, ठीक है, जितना भी यूज़ करना चाहिए उससे रिलेवेंट, इससे रिलेवेंट कीवर्ड, प्रोडक्ट ऑन अमेज़ॉन, टॉप प्रोडक्ट टू सेल ऑन अमेज़ॉन। तो ये मैंने क्या किया, डिफरेंट किस्म के टैग स्पेसिफाई कर दिए। अब इससे ये होगा कि ये जो आर्टिकल हो गए इससे रिलेवेंट सारे जो मेटा टैग मेटा डिस्क्रिप्शन होती है, इससे हमारी जो क्या कहते हैं SEO ऑप्टिमाइजेशन, जो आप लोग बोलते हैं कि ये SEO ऑप्टिमाइजेशन, यही होती है एक्चुअल में। काफ़ी चीज़ें फीचर के अलावा, इसके अलावा फीचर इमेज, ये कैटेगरीज पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना दी हैं, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, सेव कर दूंगा, ठीक है। तो अब इस पे काफ़ी जो आर्टिकल है ना, इस पे काफ़ी इम्पेक्ट पड़ेगा। इसी तरह आपकी कोई वेबसाइट है तो आप इस पे क्या कहते हैं टैग लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो इसी मतलब थी, और इसके अलावा मैं आपको गाइड करना चाहूँ कि हमारी वीडियो चैनल पर काफ़ी नई वीडियोज़ आ रही हैं, पाइथन की सीरीज़ आ रही है, डिफरेंट किस्म की टेक वीडियोज़ आ रही हैं जो आप इस पर देख सकते हैं। तो आई वुड हाईली रिकमेंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, काफ़ी आपको ये फ़ायदा देगा ये वाला चैनल। फोटोशॉप की वीडियोस आ रही हैं, इसके अलावा हमने MS Word पे स्किल्स काफ़ी लोगों को सिखा रहे हैं, ठीक है। मैं अपने जो मेरे दोस्त हैं उनको शॉर्ट आउट देना चाहूँगा, ये काफ़ी लोग हैं स्ट्रगल कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी हमारा ज़रूर साथ दें, ठीक है, हमें सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा अपनी सजेशन प्लीज़ अपनी कमेंट में दिया करें और फॉलोअप करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।